बैटमा नगर परिषद के चुनाव परिणाम में कांग्रेस के 6 भाजपा के 7 और 2 निर्दलीय चुनाव जीते हैं, जिसमें अब निर्दलीयों को किंग मेकर की भूमिका में देखा जा रहा है। बैटमा नगर परिषद में पार्षद के लिए हुई मतगणना में कांग्रेस व भाजपा में जोरदार टक्कर रही। कांग्रेस ने जहां 6 सीटों पर जीत हासिल की, वहीं भाजपा 7 सीटों के साथ प्रथम स्थान पर रही। साथ ही अब नगर की सरकार बनने में जीते 2 निर्दलीय किंग मेकर की भूमिका में आ गए हैं। इंदौर स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास में सुबह 9 बजे से शुरू हुआ मतगणना का कार्य, जहां सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती हुई। इसके बाद ईवीएम से 10 बजे के बाद रिजल्ट आने शुरू हुए, जहां 12 बजे तक सभी वार्ड पार्षद के नतीजे घोषित हो गए। परिणाम के बाद भाजपा व कांग्रेस ने अपने अपने विजय जुलूस निकालकर मतदाताओं के प्रति आभार प्रकट किया। नगर की सरकार बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 2 निर्दलीय पार्षदों ने भी अपना विजय जुलूस भारतीय ध्वज व देशभक्ति के गीतों के साथ डीजे की धुन पर बड़े ही धूमधाम से निकाला। बैटमा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। हमारा तो एक ही उद्देश्य है, भय मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त शासन मिले और साफ सुथरी व्यवस्था मिले, जनता को कोई परेशानी नहीं हो। हम पहले भी नगर पंचायत 2009 से 14 तक चला चुके हैं। यहाँ पर बहुत बढ़िया माहौल रहा, जनता आज भी याद करती है उस कार्यकाल को, और आगे भी इच्छा है हमारी कि ऐतिहासिक कार्यकाल हम बना के निकलेंगे यहाँ से। नगर परिषद जो अध्यक्ष है उसको लेकर क्या रणनीति कांग्रेस? बिल्कुल निश्चित हम बनाएंगे। यहाँ पर जनता ने पूरा मन बना लिया है कि वापस वो सरकार जो अभी पीड़ित थी वो सरकार नहीं बने, क्योंकि यहाँ मुख्यमंत्री आवास में बहुत बड़े बड़े घोटाले भी हुए हैं, और जो भी कोई जाता था तो कोई सीधी तरह बात करने को तैयार नहीं था, ना कर्मचारी, ना कोई पार्षद, ना कोई अध्यक्ष। तो पीड़ित तो थी जनता, बहुत एक एक साल मुश्किल से निकाला जनता ने। आपका नाम और पता? मैं लोकन सिंह चौहान, ब्लॉक अध्यक्ष देपालपुर। देखिए, ये जीत हमारी हुई है बिल्कुल, लेकिन ये हमारी जीत नहीं है, ये पूरे वार्ड की जीत है, पूरे बैटमा की जीत है, और ये सभी की जीत है। ये हमारी जीत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सभी ने सहयोग करा, सभी ने प्रेम दिया। इतना प्रेम शायद मैंने सोचा भी नहीं था, उससे ज़्यादा प्रेम मुझे मिला है। नगर परिषद के जो आंकड़ा है वो बेहद नेगेटिव रह गए हैं। निर्दलीय जो इस भूमिका में आए हैं वो किंग मेकर की भूमिका में, आपका क्या रोल है? देखिए, हम तो विकास के साथ है, गरीब जनता के साथ है, लोगों के साथ है, और बैटमा के विकास के लिए तत्पर हैं। बैटमा का विकास के लिए जो खड़ा रहेगा हम उसके साथ खड़े हैं। क्या विजन है बैटमा को लेकर? बैटमा को लेकर जैसे अभी तो वार्ड में हम पार्षद है, तो अभी हमारा वार्ड के तरफ ही ध्यान रहेगा, लेकिन यदि बैटमा में कुछ भूमिका मिलती है तो बहुत सारे विज़न है, बहुत सारी समस्या हैं जो हमको हमेशा अवगत कराते रहते हैं समय समय पर सोशल मीडिया के माध्यम से, उन समस्याओं का निराकरण करेंगे। मेरा नाम अजय यादव है, माता श्री प्रत्याशी है मूल्याबाई यादव, वार्ड क्रमांक 13। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं और बैटमा नगर की समस्त जनता का मैं आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास करा है, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को पूरे नगर में अच्छा मत दिया है, बहुमत दिया है। अपन 7 सीटें जीते हैं, जीती है भारतीय जनता पार्टी, और 2 निर्दलीय जीते हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी के ही कहीं ना कहीं समर्थक रहे हैं, और ऐसा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी ही नगर परिषद बनाएगी, क्योंकि अभी तक जितना भी कार्य हुआ है नगर के अंदर वो विकास का कार्य हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ने ही किया है, और आगे भी भारतीय जनता पार्टी ही विकास के कार्य करेगी। आगामी समय में जो भी नगर के अंदर अधूरे अधूरे काम रह गए हैं उन सबको सबसे पहले प्रायोरिटी से पूरा काम करना है। नगर के अंदर नर्मदा जल योजना जो थोड़ी अधूरी है उसको भी पूरा करना है। क्या कमियां देखते हैं आप जिसमें आपको पूर्ण बहुमत मिला? कमियां तो खैर कुछ नहीं है, जनता का एक अपना विश्वास है जो हो सकता है कि कहीं ना कहीं हम उस के अंदर खरा नहीं उतर पाए हैं। ये भी सब मंथन चलेगा, संगठन का कार्य है, ये संगठन का कार्य अपने स्तर पर ही होएगा। आपका नाम और पता? मैं शशि जायसवाल, भारतीय जनता पार्टी नगर अध्यक्ष बैठवा। अच्छा से अच्छा काम करेंगे, जो भी होगा अच्छी मेहनत करेंगे वार्ड के लिए, 5 साल में जो भी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे वार्ड के लिए, समाज वोटरों ने जो भी प्रेम और आशीर्वाद दिया उसके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे, हमारे वार्ड में खूब विकास करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे कि हर काम करने का काम करें। बैटमा में परिषद बनाने के लिए निर्दलीयों की आवश्यकता है, निर्दलीय इस बार किंग मेकर की भूमिका में, आपका क्या मत रहेगा? सोच समझ कर थोड़ा मंथन कर लें, फिर जो भी अच्छा होगा, समाज के लोग जो भी सब बड़े बुजुर्ग हैं अपने, वो जो भी डिसीजन लेंगे वो सर्वमान्य। आपका नाम और वार्ड? नीलेश चौहान बर्फ, वार्ड नंबर 5। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़।
हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।